फेमस भोजपुरी सिंगर शारदा सिन्हा पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं। शारदा सिन्हा जिन्होंने छठ गीतों के चलते लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। शारदा सिन्हा भले ही इस दुनिया में अब ना रही हो, लेकिन उनके गाए गाने हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। शारदा सिन्हा को पटना के गुलाबी घाट पर अंतिम विदाई दे दी गई है। पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं शारदा सिन्हा और उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने उन्हें आखिरी विदाई दी, उन्हें मुखाग्नि दी। ऐसे में शारदा सिन्हा से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो उस टाइम पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शारदा सिन्हा के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में इस टाइम पर मातम का माहौल है। वहीं जो उनकी भाभी हैं, उन्होंने शारदा सिन्हा को लेकर कई सारी ऐसी बातें की हैं जो वाकई दिल को कचोटने वाली हैं। भाई बहनों के बीच प्यार की मूरत कहा जाता था शारदा सिन्हा को। वही बड़ी भाभी का शारदा सिन्हा के जाने के बाद दर्द छलका है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कि शारदा सिन्हा को लेकर शेयर किए हैं। बिहार की कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्णिया के महाराज जी हाता की तारा शर्मा जो कि उनकी बड़ी भाभी हैं, शारदा सिन्हा से अपने खास रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका रिश्ता कितना खास था। शारदा सिन्हा 8 भाई बहनों में इकलौती बहन थी। बताया जा रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस भी मिलती थी फैमिली में, क्योंकि वो अकेली बेटी थी। 35 सालों के बाद उनकी फैमिली में कोई बेटी आई थी, जिसके बाद पिता की तरफ से उन्हें भरपूर सपोर्ट भी मिला था। शारदा सिन्हा 8 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी और अपने सभी भाई बहनों से वो बेहद प्यार करती थी। 86 साल की तारा शर्मा जो कि शारदा सिन्हा की भाभी हैं, उन्होंने बताया कि जब 1955 में उनकी शादी हुई तब शारदा सिन्हा सिर्फ 3 से 4 साल की बच्ची थी। तारा शर्मा ने याद किया कि उस टाइम पर घूंघट प्रथा चला करती थी, जिसकी वजह से शारदा सिन्हा घूंघट के अंदर मुंह डालकर उनसे बात किया करती थी। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा उन्हें भाभी नहीं बल्कि प्यार से भौजी कहकर पुकारती थी। उनका कहना था कि भले ही रिश्ते में वो ननंद भाभी थी, लेकिन उनका आपसी संबंध एक माँ बेटी जैसा था। तारा शर्मा ने बताया कि जब भी शारदा सिन्हा पूर्णिया आती थी, आसपास के जिलों में उनका कोई प्रोग्राम होता था, वो हमेशा अपनी बड़ी भाभी के घर रुकती थी और भाभी के साथ बहुत हंसी मजाक और बचपन की यादें ताजा करती थी। तारा शर्मा ने बताया कि बीते 31 मार्च को उनकी आखिरी मुलाकात शारदा सिन्हा से हुई, जिसके बाद उनकी कोई मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। तकरीबन 1.5 महीने पहले ही अपनी पति की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा को सदमा लग गया था और शायद उन्होंने जिंदगी जीने की जो उनकी ललक थी उसे भी छोड़ दिया था। बेटे ने बताया था कि पिता की मौत के बाद जो शारदा सिन्हा थी, उन्होंने बेटे से कई बार कहा था कि वो अब जिंदा नहीं रहेंगी। और जरा देखिए, पति की मौत के 43 दिन के बाद उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मंगलवार की रात तकरीबन 9:20 पर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शारदा सिन्हा ने आखिरी सांस ली और आज पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।